नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ न्यायाधीश सांगी दुग्गल ने सरस्वती एवं महात्मा गांधी के चित्रों के सामने द्वीप प्रज्वलित कर और चित्रों पर माल्यार्पण कर किया। न्यायाधीश सांगी दुग्गल ने इस अवसर पर कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य समाज के वैमनस्यता हटाना और सभी भाईचारे लड़ाई झगड़ा भुलाकर आपसी सौहार्द से रहे। लोक अदालत में राजीनामा होने से पक्षकारों के समय के साथ साथ धन की भी बचत होती है। कार्यक्रम को अधिवक्ता संघ अध्यक्ष विनु शर्मा से केसी अग्रवाल, अधिवक्ता सुलहकर्ता सदस्य अधिवक्ता विनय सिंपी, विकास पाठक ने भी संबोधित किया। वहीं आपको बता दें, संचालन अधिवक्ता वी एम रघुवंशी ने किया। नेशनल लोक अदालत में नगरपालिका बैंकों की प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें न्यायालय में लंबित चेक बाउंस के 18 प्रकरणों में 33,86,000 रुपए का आदान प्रदान हुआ। वैवाहिक के 3 प्रकरण, आपराधिक 4 प्रकरण, सिविल के 1 प्रकरण में राजीनामा उपरांत प्रकरण निराकृत किए गए। वहीं बैंकों के 7 प्रकरण, तहसील कार्यालय में प्रभारी तहसीलदार ललित सोनी ने 125 मामले निराकृत किए। नगरपालिका में 91 मामलों में संपत्ति कर, जलकर सहित अन्य मामलों में 4,57,025 रुपए प्राप्त हुए, जिन्हें निराकृत किया गया। लोक अदालत में प्रभारी तहसीलदार ललित सोनी, नगर निरीक्षक गौरव बुंदेला, शिवपुर थाना प्रभारी संजीव पवार, नगरपालिका राजस्व अधिकारी अमर सिंह उइके, बैंकों एवं नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी, न्यायालय के कर्मचारी, अधिवक्ता पक्षगण उपस्थित रहे। शिवनी मालवा से अरुण कश्यप की खास खबर। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ से।